हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल। सो आईएनआईएफएस में जून 2024 में किस प्रकार के सवाल आए थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें एक दिशा देती है कि हाँ, ये सभी टॉपिक को हमें अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, क्योंकि संभावनाएँ होती हैं कि उससे सवाल बनने की। भले ही वो सवाल ना पूछा जाए, लेकिन मिलता जुलता सवाल तो ज़रूर पूछा जाता है। तो इसीलिए आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ जून 2024 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। हमारे पास पूरा 100 क्वेश्चन का सेट्स है, और भी जो हमारे अलग अलग सेगमेंट्स में एग्जामिनेशन होते हैं, शिफ्ट में एग्जामिनेशन होते हैं, सभी का सेट अवेलेबल है। चलिए आपके सामने मैं क्वेश्चन प्रस्तुत करता हूँ, और सभी का मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप जान पाएँ कि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको आप अच्छे से कर पाए। उससे रिलेटेड और भी जो पॉइंट्स है वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, ताकि एक टॉपिक से और क्या क्या सवाल बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अंतिम तक बने रहें, यदि आपको लिसन पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए चैनल इस पार्टिकुलर वीडियो सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपके SLR के रिगार्डिंग, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रिगार्डिंग अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सो देखिए, सबसे पहला चीज़ ये समझिए कि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा सेक्शन 24 है, सेक्शन 24 जो BRA का है, यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो सेक्शन नंबर 24 है, उसके अकॉर्डिंग SLR का रेंज कितना, किस रेंज में SLR को मेंटेन करना होगा भारतीय बैंक के द्वारा, राइट। और उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है कि एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द लिक्विड रिजर्व दैट बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन। चलिए तो पहले ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बैंक मस्ट मेंटेन SLR बिटवीन 25% and 40% ऑफ देयर DTL एंड विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो SLR को समझिए आप। SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये हमारे डिपॉजिट का वो परसेंटेज होता है जो कि बैंक को लिक्विड फॉर्म में रखना होता है। कैसे रखना होता है, लिक्विड फॉर्म में रखना होता है, राइट। अब देखिए, एक होता है हमारा डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जिसको हम लोग DTL बोलते हैं। तो DTL का मतलब जो पैसा बैंक जो है अपने कस्टमर से उधार लेती है, राइट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे सेविंग हो गया, ठीक है, जैसे FD हो गया है, सेविंग FD, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, ये दो चीज़ समझ में आया। अच्छा, तीसरा चीज़ है 25% और 40% का। तो देखिए इसका मतलब कि बैंक को लिक्विड एसेट मेंटेन करना होता है, जैसे कि कैश हो गया, गोल्ड हो गया, अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज़ हो गया। अब आप पूछेंगे कि अनइनकम्बर्ड क्या होता है, थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। अनइनकम्बर्ड का मतलब कि किसी तरह का लोन या ऑब्लिगेशन से फ्री होना, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन आप बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि बैंक मस्ट मेंटेन एग्जैक्टली SLR एट 25% ऑफ देयर DTL विच कैन ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो देखिए, सबसे पहली बात तो SLR 25% में फिक्स है नहीं, ठीक है, ये एक रेंज होता है। और SLR कोई कैश ही फॉर्मेट में नहीं होगा, ठीक है, ये गोल या अप्रूव सिक्योरिटी के फॉर्म में भी होता है, इसलिए ऑप्शन बी तो हमारा गलत है। चलिए ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि बैंक SLR 20% से 30% के बीच मेंटेन करे अपने DTL का, जो कि गोल्ड या अनइनकम्बर्ड अप्रूव सिक्योरिटी के फॉर्मेट में ही होगा। तो देखिए ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि SLR का जो रेंज है ना, वो 20% से 30% नहीं है, रेदर ये 25% से 40% का रेंज है, ठीक है। और SLR के अंदर कैश भी आता है, SLR कैन इंक्लूड कैश, ठीक है, SLR के अंदर कैश भी आता है, ना ही केवल गोल्ड और अनकम्बर्ड सिक्योरिटी नहीं आएगा, ओके, इट कैन इंक्लूड कैश ऑल्सो। और ऑप्शन डी कह रहा है कि बैंक मस्ट मेंटेन SLR नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ देयर DTL। तो देखिए, अभी मैंने बताया कि SLR जो है 25% से 40% के बीच में होगा, और 25% का कोई कैपिंग है नहीं यहाँ पे, और बैंक को कहा गया है कि वो अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज़ को होल्ड करे। अनइनकम्बर्ड का मतलब ही होता है कि फ्री फ्रॉम एनी डेप्ट और प्लेज, यहाँ पे बात की जा रही है इनकम्बर्ड सिक्योरिटी की, तो यही गलत है। तो आपको क्या लग रहा है, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि बैंक SLR मेंटेन करेगी 25% से 40% में अपने DTL का, जो कि कैश, गोल्ड या अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो SLR एक तरह का सेफ्टी मेजर होता है, ये इंश्योर करने के लिए कि बैंक के पास हमेशा बफर हो लिक्विड एसेट का, ताकि अपने लायबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशन को कवर कर सके। इसके अंदर कैश, गोल्ड, अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी, ये सभी आते हैं, मतलब जो जिस एसेट में किसी लोन या ऑब्लिगेशन का टाई अप ना हो। और ये जो 25% से 40% का रेंज है, इसमें बैंकों को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, और RBI इस रेशियो को एडजस्ट करता है, डिपेंड करता है कि हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा है। यदि इकोनॉमी बूम कर रहा है तो RBI SLR को कम कर देती है, ताकि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेंड कर सके, और यदि इकोनॉमी को लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है तो RBI SLR बढ़ा देती है। तो होपफुली एक्सप्लेनेशन से आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हमें टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, जो कि फैक्टर और
प्रोडक्शन के द्वारा रिसीव किया गया हो, तो इनमें से कौन सा करेक्टली आइडेंटिफाई करता है जो हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनके साथ जो इनकम एसोसिएटेड होते हैं। चलिए इसको सिंपल टर्म्स में ब्रेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का देख सकते हैं आप, लैंड, राइट। सो देखिए लैंड जो है, लैंड में आप क्या अर्न करते हैं, ऑब्वियसली रेंट अर्न करते हैं, क्योंकि जब कोई भी आपके ज़मीन का एक हिस्सा यूज करेगा तो उसके लिए वो रेंट पे करेगा। फिर लेबर की यदि हम बात करें तो लेबर क्या अर्न करता है, लेबर वेजेज अर्न करता है, क्योंकि बेसिकली जो लोग काम करते हैं उनको पैसा मिलता है ना, तो या तो वो सैलरी होगा या वो आवरली पे होगा। फिर यदि कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या अर्न करेगा, कैपिटल इंटरेस्ट अर्न करेगा। इसको समझिए कि कैपिटल वो पैसा है या वो इक्विपमेंट है जो कि बिजनेस में यूज़ किया जा रहा है। तो जब भी आप पैसा लैंड करते हैं तो आप ऑब्वियसली बात है आपको इंटरेस्ट मिलता है ना। और यदि हम एंटरप्रेनर की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द एंटरप्रेनर, तो एंटरप्रेनर क्या अर्न करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कि रिस्क लेते हैं स्टार्ट करने के लिए और बिजनेस को मैनेज करते हैं, और उनका रिवार्ड होता है प्रॉफिट यदि बिजनेस सक्सीड हुआ। तो अब ऑप्शन ए को जरा देखिए, पहला कह रहा है रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये तो सही दिख रहा है। चलिए ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है रेंट, कह रहा है कि लैंड से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है, लेकिन लेबर को कह रहा है इंटरेस्ट, ये गलत हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट लेबर से आता है ये तो गलत है। ठीक है, कैपिटल कह रहा है वेजेज, लेबर जो है वेज अर्न करता है ना कि इंटरेस्ट अर्न करता है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी की यदि हम बात करें तो देखिए लैंड को रिलेट कर रहा है लैंड अर्न वेजेज, ये कह रहा है कि लैंड जो है वेजेज अर्न करता है, लेकिन ये गलत है, लैंड रेंट अर्न करता है, राइट, वेजेस तो अर्न नहीं करता, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी की बात करें तो ये कहता है कि लैंड प्रॉफिट अर्न करता है, ऑब्वियसली गलत है, लैंड हमेशा रेंट अर्न करेगा, प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा, तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो आप देख सकते हैं कि सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। याद रखिए जो भी हमारा लैंड होता है, जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है, जैसे कि सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल, ये सब के सब लैंड के अंदर आते हैं, और इनका जो इनकम होता है उसको हम लोग रेंट बोलते हैं, क्योंकि लोग हो या कंपनीज हो वो पे करते हैं लैंड को यूज करने के लिए। यदि हम लेबर की बात करें तो लेबर जो होता है दोस्तों, ये कितना लोगों के द्वारा कितना काम किया जा रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है, और लेबर का जो इनकम होता है वो वेज होता है, राइट। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल का मतलब टूल्स, मशीनरी, पैसा जो कि प्रोडक्शन में यूज किया जा रहा है, और उसका जो इनकम होता है, कैपिटल का जो इनकम होता है वो इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट मतलब कि आप क्या अर्न करेंगे जब आप पैसा लैंड करेंगे। और यदि हम एंटरप्रेनर की बात करें तो एंटरप्रेनर को रिस्क टेकर होते हैं, जो कि स्टार्ट करते हैं और बिजनेस को रन करते हैं, और बदले में उन्हें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो सिंपल भाषा में बात करें तो प्रत्येक जो चार फैक्टर है, पहला फैक्टर है हमारा लैंड, दूसरा फैक्टर है हमारा लेबर, तीसरा फैक्टर है हमारा कैपिटल, और चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारा एंटरप्रेनर। देखिए एक सवाल यहां से ये भी बन सकता है कि कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो आप बोलेंगे चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, और सभी का इनकम क्या है, तो सभी को इनकम बता दें मैं आपको फिर से, लैंड का इनकम है रेंट, लेबर का इनकम है वेजेस, कैपिटल का इनकम है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेनर का इनकम है प्रॉफिट। देखिए सिंपलेस्ट भाषा में मैंने आपको समझाया है, और हमारा जो थ्योरी लेक्चर होता है ना वो इसी प्रकार का होता है, जिसमें आपको एक एक चीज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। यदि आप उसमें इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं हमारे थ्योरी लेक्चर को लेने के लिए, इनरोल होने के लिए, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। हमारे पास जेआईवी के सभी सब्जेक्ट्स का फुल्ली फ्लेज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, हमारा ऐप है जेआईवी एनसीआईवी मेड सिंपल, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल पर डेली फ्री क्विजेस कंडक्ट किए जाते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे टेलीग्राम चैनल हो चाहे व्हाट्सएप चैनल हो, आप फ्री क्विजेस कहीं से भी दे सकते हैं। तो उसमें प्रत्येक क्विज में 15 से 20 क्वेश्चंस रहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जो कि डेली बेसिस पे आप फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, और क्विज देने के बाद आपको सभी क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, आपसे पूछा गया था एग्जामिनेशन में कि लीवरेज लीज क्या होता है। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है लीजिंग अरेंजमेंट में, खासकर वैसा सिचुएशन जहां पे बिग एक्सपेंसिव एसेट हो, जैसे कि प्लेन हुआ, सिप हुआ, हैवी मशीनरी हुआ। तो सवाल ये था कि जो हमारा लीवरेज लीज अरेंजमेंट होता है उसमें लेसर का प्राइमरी रूल क्या है, और कैसे लीज रेंटल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। चलिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं, तो ऑप्शन ये क्या कर रहा है, ऑप्शन ये कर रहा है क्या कि लेसर जो है इंटायर कॉस्ट ऑफ एसेट को सप्लाई करेगा और सारा लीज रेंटल को रखेगा, कोई डेब्ट सर्विस इन्वॉल्व नहीं होगा। देखिए ये सिंपल अरेंजमेंट है, लेकिन ये सही नहीं है लेवरेज लीज के बारे में। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों जो हमारा लेवरेज लीज होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा लेसर है, ठीक है, वो लेसर क्या करता है, ही डज नॉट सप्लाई द इंटायर कॉस्ट ऑफ द एसेट। जो हमारा इंटायर कॉस्ट है एसेट का,
उसको सप्लाई नहीं करेगा। लेसर विल नॉट सप्लाई द इंटायर कॉस्ट ऑफ द एसेट, रेदर लेसर बोरो अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ फंड फ्रॉम द लैंडर। तो लेसर क्या करता है कि अपने फंड का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा जो है लैंडर से बोरो करता है, राइट। तो ये हमारा इस तरह का लीज का की फीचर होता है। तो इसीलिए कोई डेब्ट सर्विस नहीं है और लेसर सारा रेंट रखेगा, लेसर कीपिंग ऑल द रेंट इज़ नॉट एक्यूरेट, राइट। तो ये गलत है। तो ये जो ऑप्शन कर रहा है कि लेसर डज नॉट सप्लाई द इंटायर कॉस्ट ऑफ द एसेट, ये सही है कि लिवरेज लीज में लेसर जो है एसेट के इंटायर कॉस्ट को सप्लाई नहीं करेगा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि लेसर सप्लाई करता है, दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। चलिए आगे बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि लेसर सप्लाई अ पोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट एंड द लैंडर सप्लाई द बैलेंस एंड द लीज रेंटल आर फर्स्ट यूज टू सेटिस्फाई द डेब्ट सर्विस पेमेंट टू द लैंडर बिफोर एनी सरप्लस इज गिवन टू द लेसर। देखिए ये साउंड एक्यूरेट है, ये ऑप्शन एक्यूरेट है लेवरेज लीज के बारे में। इसको हम लोग ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्ट में। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि लेसर जो है वो एक मनी का जो पोर्शन है, जितना पैसा चाहिए एसेट को खरीदने में, उसका एक पोर्शन सप्लाई करेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि बाकी का जो पैसा है वो लेंडर सप्लाई करेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो लीज रेंटल है, जो कि पेमेंट होता है लेसी के द्वारा किया जाता है एसेट को यूज करने के लिए, उसको पहले यूज किया जाएगा लेंडर को पेबैक करने में, इसके अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों आता है, और जैसे ही लोन पेमेंट हो जाएगा जो भी लेफ्ट ओवर मनी है वो लेसर को दिया जाता है प्रॉफिट में। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली यही होता है हमारे लिवरेज एसेट में। समझ में आया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए लेसर ने क्या किया, लेसर ने अपने पैसा का एक पोर्शन सप्लाई किया, ठीक है, पोर्शन जो है सप्लाई किया पैसा का, उसके बाद जो रेस्ट पैसा है वो लेंडर देता है, ठीक है। और फिर जो लीज रेंटल होता है वो पेमेंट होता है, लीज रेंटल वो पेमेंट होता है जो कि पेमेंट दिया जाता है लेसी के द्वारा, क्योंकि लेसी एसेट को यूज कर रहा है तो वो पेमेंट करेगा, ठीक है। और जो पैसा वो देता है ना, उसको पहले यूज किया जाएगा लेंडर को पे करने के लिए, और बाकी जो बचा पैसा है वो दिया जा रहा है कि द लेसर सप्लाई अ पोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड द लेंडर सप्लाई द बैलेंस एंड द लीज रेंटल आर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द लेसर एंड लेंडर। तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों लीज रेंटल को इक्वली डिवाइड नहीं किया जाता लेसर और लैंडर के बीच में। लेवरेज एसेट में क्या होता है कि सबसे पहले कि पेमेंट किसको मिलेगा, सबसे पहले पेमेंट मिलेगा लैंडर को, ठीक है, ताकि वो डेब्ट सर्विस को कवर कर सके। डेब्ट सर्विस का मतलब क्या हुआ, डेब्ट सर्विस का मतलब हुआ लोन रिपेमेंट, ठीक है, लोन रिपेमेंट। और लेसर को जो क्या मिलेगा, सरप्लस मिलेगा, ठीक है, लेसर विल गेट द सरप्लस, राइट। जो भी सरप्लस है आफ्टर द लैंडर हैज़ बीन फुल्ली पेड, लैंडर को जो पे करने के बाद जो भी सरप्लस बचता है वो लेसर को मिलता है, राइट। तो यहाँ पे इक्वल डिवीजन आइडिया गलत है। चलिए ऑप्शन डी की बात करते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि द लेसर बोरो द इंटायर परचेज प्राइस फ्रॉम द लैंडर एंड रिपेज द लोन फ्रॉम देयर ऑन फंड विथ लीज रेंटल एक्टिंग एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ पेमेंट। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए लिवरेज एसेट में क्या होता है कि क्या कह रहा है कि लेसर बोरो द इंटायर परचेज प्राइस फ्रॉम द लैंडर, ये गलत है। लेसर जो है पूरा इंटायर परचेज प्राइस बोरो नहीं करता, रेदर लेसर जो है कॉस्ट का एक हिस्सा इक्विटी के फॉर्म में, जैसे मान लीजिए कि ये कॉस्ट है, कॉस्ट मान लीजिए कि सपोज 1 लाख रुपीज़ है, तो उसका एक हिस्सा सपोज 20,000 जो है ये लेसर क्या करेगा, वो इक्विटी के फॉर्मेट में डालेगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, राइट। और बाकी जो बैलेंस है 80,000 जो है वो क्या देगा, लेंडर देगा, ठीक है। और लीज रेंटल जो होता है वो प्राइमरी सोर्स होता है लोन को पे बैक करने का, ठीक है, और सेकेंडरी सोर्स नहीं होती। यहाँ लिखा है ना कि लीज रेंटल एक्टिंग एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ रिपेमेंट, ये गलत है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, लीज रेंटल इज नॉट द, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, तो बेसिकली मैं आपको एक बार लिवरेज एसेट के बारे में एक बार फिर से समझा दूं, क्योंकि ये टर्म बार बार रिपीट होगा। लिवरेज एसेट एक तरह का लीज होता है जो कि एक्सपेंसिव एसेट के लिए यूज होता है। सबसे पहले याद रखिएगा, एक्सपेंसिव एसेट के लिए यूज होता है, जैसे कि आप एयरप्लेन हो गया, शिप हो गया, तो चूंकि ये सभी एसेट में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो जो लेसर है, लेसर का मतलब समझते हैं ना, लेसर का मतलब क्या होता है कि जो एसेट को लीज पे दे रहा है, लीजिंग द एसेट, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो एसेट को लीज पे दे रहा है वो इंटायर कॉस्ट अपफ्रंट तो पे नहीं कर सकता, सॉरी, जो लेसर इंटायर कॉस्ट अपफ्रंट तो पे नहीं कर सकता, तो वो क्या करे? तो ऐसे केस में वो जो है ना लेंडर से एक पोर्शन बोरो करता है, जैसे कोई बैंक, लेंडर में यहाँ बैंक हो सकती है, ठीक है, लेंडर में कौन हो सकता है, बैंक हो सकती है, ठीक है। तो लेंडर से वो क्या करता है, बोरो करता है एक पोर्शन। अब देखिए ये प्रोसेस कैसे काम करता है, मैं समझा देता हूँ। तो लेसर क्या करता है, वो इन्वेस्ट करता है अपने कुछ पैसे को, जिसको इक्विटी कहते हैं, लेकिन ये टोटल कॉस्ट का एक छोटा
थोड़ा सा हिस्सा होता है, और लेंडर जो है बाकी परचेज प्राइस को फाइनेंस करती है। जो लेसी होता है, यानी जो पर्सन है, जो कंपनी है जो एसेट को यूज करेगी, ठीक है, तो वो क्या करती है, लीज रेंटल पे करती है। ऑब्वियस सी बात है, जो लेसी है वो लीज रेंटल पे करेगी, ठीक है, और यही पैसे को यूज किया जाएगा पहले लोन को पे ऑफ करने में। पहले क्या करेगा, लोन को पे ऑफ करने में यूज किया जाएगा लेंडर से जो लिया था, ठीक है, और इसके अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों कवर होगा। और जैसे ही लोन का पेमेंट हो गया तो जो पैसा जाएगा वो लेसर को जाएगा प्रॉफिट के फॉर्मेट में। सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आप मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा जहाज को लीज पे देना चाहते हैं, तो आप हो गए लेसर, ठीक है। अब जहाज का कॉस्ट है मान लीजिए $1 million, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए $1 billion जहाज का दाम है, तो इतना पैसा तो आपके पास है नहीं, तो क्या कीजिएगा आप बैंक के पास जाइएगा, बैंक को बोलेगा कि मुझे कुछ फाइनेंस दो, तो ठीक है, बैंक किस केस में हो जाएगी, लेंडर, ठीक है, बैंक लेंडर हो गई। अब बैंक लेंडर हो गई तो बैंक पूरा फाइनेंस तो करेगी नहीं, जैसे $1 billion है तो $0.8 billion जो है बैंक दे रही है, और बाकी पैसा आप बोलेगा कि मैं खुद दूंगा, तो आप जो पैसा लगाएंगे वो इक्विटी कहलाएगा। तो ठीक है, आपने लगा दिया, अब वो जो जहाज जो आप जिन्हें लीज पे लिया, तो कोई तो लीज पे लेगा ना जहाज, तो जो लीज पे लेगा उसको लेसी कहेंगे, और लेसी से आपको क्या मिलेगा, लीज रेंटल मिलेगा, मिलेगा ना। अभी लीज रेंटल जो आपको पैसा मिल रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपका आपको जो पैसा मिल रहा है, तो जो भी पैसा आपको मिलेगा उसको सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आपका लेंडर का जो आपने लेंडर से उधार लिया है तो आपको उसका उधार चुकाना पड़ेगा ना, तो सबसे पहला काम ये होगा कि लेसी का जो लीज रेंटल है वो प्राइमरी सोर्स होता है, और उस पैसे को यूज़ किया जाएगा जो लेंडर है यानी जो बैंक है उसके लोन को चुकाने के लिए, चाहे उसमें प्रिंसिपल भी रहेगा इंटरेस्ट भी रहेगा। और तब जब आपने लोन को चुका दिया, उसके बाद जो पैसा बचता है आपके पास वो आपका प्रॉफिट होगा। सो दिस इज हाउ दिस लीवरेज लीज अरेंजमेंट वर्क। होपफुली मैंने एक एक चीज क्लियर कर दिया, आपको कोई अगली बार कोई भी सवाल मिले इस पे आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, लीवरेज एसेट कैसे अफेक्ट करता है कंपनी के डेप्ट रेशियो को, यह सवाल पूछा गया था। लीवरेज एसेट पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे सवाल बराबर आता है, तो यह बहुत जरूरी है समझना कि लीज कैसे इन्फ्लुएंस करता है कंपनी के फाइनेंशियल को। तो सवाल यह है कि हाउ एंटरिंग इनटू अ लीज लीजिंग अरेंजमेंट पार्टिकुलरली लीवरेज लीज अफेक्ट अ कंपनी डेप्ट रेशियो। ऑप्शन ये कह रहा है कि लीवरेज लीज डज नॉट अफेक्ट अ कंपनी डेप्ट रेशियो बिकॉज द लीज एसेट एंड कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बैलेंस शीट। तो ये ऑप्शन कुछ हद तक सही दिखता है एज पर आवर ओल्डर अकाउंटिंग रूल। सबसे पहले इस चीज़ को समझिए, ऑप्शन सही तो लग रहा है अंडर ओल्डर अकाउंटिंग रूल, लेकिन अब जो नया अकाउंटिंग रूल आया है एज पर आवर न्यू अकाउंटिंग रूल, जैसे कि आपका एग्जांपल के तौर पर आप IFRS की बात करें, IFRS 16 की बात करें, या ASC 842 की बात करें, तो ये सही नहीं है। ये सभी स्टैंडर्ड्स के अंदर कंपनीज को लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़ता है, लीज एसेट रिकॉर्ड करना पड़ता है अपने बैलेंस शीट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है कि लीज एसेट एंड लाइबिलिटीज आर नॉट रिकॉर्डेड, ये गलत है, कंपनी को रिकॉर्ड करना है एज पर द न्यू रूल। तो ये ट्रांसपेरेंसी रिफ्लेक्ट करेगा उनके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को ज़्यादा एक्यूरेटली, तो ऑप्शन ये तो गलत है। ऑप्शन भी कह रहा है कि लीवरेज लीज डिक्रीजेज द कंपनी डेप्ट रेशियो बिकॉज लीज पेमेंट आर कंसिडर ऑपरेशनल एक्सपेंस। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये करेक्ट हो सकता है ऑपरेशनल लीज के लिए, लेकिन जहाँ पे लीज पेमेंट को हम लोग एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, पार्टिकुलरली लीवरेज लीज, साफ साफ लिखा हुआ है। तो लीवरेज लीज के केस में सिचुएशन अलग होता है, लीवरेज लीज जो है एक लाइबिलिटीज क्रिएट करता है जो कि कंपनी के डेब्ट को बढ़ाता है। तो याद रखिएगा, लीवरेज लीज जो होता है वो एक तरह का लाइबिलिटीज क्रिएट करता है, एंड इट इंक्रीजेज द कंपनी डेब्ट, राइट, ना कि उसको कम करता है। तो ऑप्शन बी गलत है, राइट, ऑप्शन ए हमने गलत देखा, ऑप्शन बी हमने गलत देखा। ऑप्शन सी की बात करें, लीवरेज लीज इंक्रीजेज द कंपनी डेप्ट रेशियो बिकॉज लाइबिलिटी रिलेटेड टू द लीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बैलेंस शीट, ये ऑप्शन सही है। क्यों सही है, क्योंकि लीवरेज लीज में क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो लेसी होते हैं ना वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन लेते हैं कि वो लीज रेंटल पे करेंगे, और इस लेसी क्या पे करेंगे, लीज रेंटल पे करेंगे, और इसी लीज रेंटल का यूज किया जाएगा कि हम डेप्ट को सर्विस कर सकें, यानी डेप्ट सर्विसिंग के लिए इसी ही लीज रेंटल का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो जो नया अकाउंटिंग रूल है वो ये कहता है कि ये जो लीज लायबिलिटी है ना, यही जो लीज लायबिलिटी है इसको हमें रिकॉर्ड करना है बैलेंस शीट में एज अ पार्ट ऑफ कंपनी टोटल लायबिलिटी। तो जब भी इन सभी लायबिलिटीज़ को बैलेंस शीट में हम ऐड करेंगे, तो जो कंपनी का डेप्ट रेशियो होगा, जिसको DR बोला जाता है, डेप्ट रेशियो होगा, कैसे निकाला जाता है डेप्ट रेशियो पता है ना आपको, डेप्ट रेशियो निकालने के लिए टोटल लायबिलिटीज़ को टोटल एसेट से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये बढ़ जाएगा, इससे हमें क्लियर पिक्चर मिलेगा कंपनी के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का। चलिए लास्ट ऑप्शन को देखते हैं, अ लीवरेज लीज हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द डेप्ट रेशियो एज इट प्योरली इन ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग मेथड।
तो ये ऑप्शन इससे सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लीवरेज लीज ऑफ बैलेंस शीट अब नहीं रहा, उसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। मैं आपको फिर से एक बार लीवरेज लीज के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूँ। देखिए, लीवरेज लीज में क्या होता है कि जो लेसर है यानी जिसने एसेट को लीज पे दिया है वो क्या करता है कि एक कॉस्ट के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को बोरो करता है, एसेट को खरीदने का जो कॉस्ट है उसके एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को क्या करता है, उधार पे लेता है, और लीज पेमेंट जो लेसी के द्वारा दिया जाता है उसको उसी उधार को पे करने के लिए यूज किया जाता है। और जो हमारा नया अकाउंटिंग रेशियो आया है, जैसे कि IFRS आया है 16 का, इसमें कंपनी को कहा गया है कि अपने लीज लायबिलिटी को रिकॉर्ड करें और लीज एसेट को रिकॉर्ड करें अपने बैलेंस शीट पे। अब ये सभी लायबिलिटीज जो है कंपनी के टोटल डेब्ट के पार्ट होते हैं जो कि इसके डेब्ट रेशियो को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि यदि डेब्ट रेशियो की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल लायबिलिटी अपॉन टोटल एसेट। ठीक है, तो जब भी कोई कंपनी लिवरेज लीज में जाती है तो उसका जो लायबिलिटीज़ होता है वो बढ़ जाता है, राइट, जिस कारण से ये जो DR होता है वो बढ़ जाता है। आप खुद सोचिए ना, यदि ये हमारा कांस्टेंट है, ये बढ़ेगा तो DR भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब कि कंपनी जो है, अब कंपनी का फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बढ़ गया है जितना पहले था, जो कि इन्वेस्टर और जिस कारण ये होगा कि जो इन्वेस्टर और क्रेडिटर का जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस होगा। तो आपको समझ में आया कि कैसे लीवरेज लीज जो है कंपनी के डेब्ट रेशियो को इम्पैक्ट करता है? तो ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि ये हमारे कंपनी के ट्रू फाइनेंशियल पिक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यदि आपको INIFS से रिलेटेड किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल चाहिए, PDF, वीडियोस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हमारे पास 3 से 4 सेट्स अवेलेबल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, मॉक टेस्ट क्वेश्चन हर एक बुक के लाइन का मॉक क्विजेज अवेलेबल है, पेज वाइज क्विज अवेलेबल है, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर JIB के किसी भी सब्जेक्ट्स के कंटेंट के लिए। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सवाल ने आपसे पूछा जा रहा है कि लाइनल रॉबिन्स के अनुसार इनमें से कौन सा इकोनॉमिक के कंसेप्ट को बेस्ट डिस्क्राइब करता है जो कि उनके स्कार्सिटी डेफिनेशन में डिफाइन किया गया है? ऑप्शन ये कर रहा है कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड टू मीट अनलिमिटेड वांट। ये कुछ हद तक तो रीजनेबल लग रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर हम गुड्स को सप्लाई करते हैं ताकि डिमांड को मीट कर सके, लेकिन लाइनल रॉबिन्स ने इस पे जोर नहीं डाला था अपने डेफिनेशन में। इनका फोकस था, लाइनल रॉबिन्स का फोकस था स्कार्सिटी पे, स्कार्सिटी एंड चॉइस पे, ठीक है, ना कि सप्लाई बढ़ाने पे। यहाँ पे क्या कर रहा है, सप्लाई बढ़ाना, ठीक है, यहाँ पे एक ही चीज़ कह रहा है कि सप्लाई बढ़ाओ, इस पर फोकस नहीं था, इनका फोकस था स्कार्सिटी एंड चॉइस पे। तो उनका मेन कंसर्न था कि कैसे हम चॉइस बना करें जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, राइट, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड अनलिमिटेड मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूज। तो ये भी गलत है किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड मींस लिखा गया है। क्या लिखा गया है पढ़िए यहाँ पे ठीक से, अनलिमिटेड मींस, लेकिन रियलिटी में हमारा रिसोर्स तो लिमिटेड होता है, और ये लिमिटेशन ही कोड है हमारे रॉबिन्स के डेफिनेशन का। इकोनॉमी आज एग्जिस्ट इसीलिए कर रहा है क्योंकि हमें चॉइस करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे पास वांट अनलिमिटेड है, समझ रहे हैं? तो ये जो अनलिमिटेड मींस लिख दिया ना, इसीलिए ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी की बात करें तो ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन सी की बात करें कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्स दैट हैव अल्टरनेटिव यूज। देखिए, ये करेक्ट आंसर है। इसमें दो वर्ड लिखा गया है, पहला वर्ड लिखा गया है अनलिमिटेड वांट। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों के पास हमेशा इच्छाएं होती हैं, वी ऑलवेज हैव डिजायर्स, वी ऑलवेज हैव नीड्स, राइट, और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता है, तो जब वो सेटिस्फाई हो जाता है तो दूसरा इच्छा आ जाता है, इसीलिए हमारा जो चाह है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और जहाँ तक रिसोर्सेज लिमिटेड की बात करें तो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि हमारा जो रिसोर्स है जो कि इन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए, जैसे कि हमें टाइम चाहिए, हमें मनी चाहिए, हमें लैंड चाहिए, हमें लेबर चाहिए, ये सब का सब लिमिटेड है, राइट, ये सब फाइनाइट है। और एक और वर्ड कहा गया अल्टरनेटिव यूज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लिमिटेड रिसोर्स है ना, इसको आप मल्टीपल वे में यूज कर सकते हैं। आपके पास जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं उसको आप मल्टीपल वे में यूज कर सकते हैं। जैसे आप पैसा को आप कहाँ यूज कर सकते हैं, पैसा को आप वैकेशन पे यूज कर सकते हैं, किसी वैकेशन पे चले जाइए, यानी तो आप पैसा को आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के यूज कर सकते हैं। इसका मतलब कि हम चूज करें कि कैसे अपने रिसोर्स को एलोकेट करें, यही कहा जा रहा है अल्टरनेटिव यूज। तो ये डेफिनेशन क्लियरली कह रहा है कि रिसोर्सेज के स्कार्सिटी को समझा रहा है ये, और जो चॉइस हम ले रहे हैं उस स्कार्सिटी के कारण वो समझा रहा है। तो यही है हमारा लाइनल रॉबिन का डेफिनेशन। मैंने तीनों कीवर्ड आपको समझा दिया, अनलिमिटेड वांट, लिमिटेड रिसोर्स, अल्टरनेटिव यूज। तो ऑप्शन डी कह रहा है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये हमारे इकोनॉमिक्स का ज़्यादा ब्रॉडर डेफिनेशन है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। तो लाइनल रॉबिन्स ने अपने 1932 में अपना जो डेफिनेशन दिया था उसको स्कार्सिटी डेफिनेशन बोलते हैं।
करते हैं, उनका कहना था कि ह्यूमन का जो वांट है वो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, और तीसरा इन्होंने बात कहा अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, तीन बात पे इन्होंने फोकस किया, वही चीज़ मैंने आपको अभी समझाया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग है भारत में उनका FDI कैश कितना है, FDI लिमिट क्या है और कैसे वो रेगुलेट होता है। बहुत बढ़िया सवाल है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि 74% का FDI लिमिट है जो कि ऑटोमेटिक रूट से रेगुलेट होता है। ये ऑप्शन सजेस्ट कर रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक में 74% जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली बिना किसी गवर्नमेंट अप्रूवल का। लेकिन दोस्तों ये गलत है क्योंकि FDI जो है 74% तक का इसमें दो स्टेप प्रोसेस होगा, ठीक है, केवल एक पोर्शन ऑटोमेटिक होता है, बाकी गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ये तो गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है कि 49% गवर्नमेंट रूट से और 49% या 74% ऑटोमेटिक रूट से। ये प्रोसेस को मिक्स कर रहा है क्योंकि इन रियलिटी क्या होता है कि जो पहला 49% होता है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, वो कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट ऑटोमेटिक रूट से आएगा, समझिए। ये 0% है, ये 49% है, तो 0 से लेकर जो 49% है वो कहाँ से आएगा, ऑटोमेटिक रूट से आएगा, ठीक है, बिना किसी गवर्नमेंट अप्रूवल का। और 49 से लेके जो आगे का आएगा वो कैसे आएगा, वो गवर्नमेंट अप्रूवल से आएगा, तो ये गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है कि 49% ऑटोमेटिक रूट से और 49 से लेके 74% गवर्नमेंट रूल से, ये बिल्कुल सही है, यही तो कहा जा रहा है, ठीक है। और मतलब कि 49% फॉरेन इन्वेस्टर 49% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं प्राइवेट बैंक के बिना गवर्नमेंट अप्रूवल लिए हुए, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसमें इन्वॉल्व करना ही नहीं है। और कह रहा है कि अप टू 100% थ्रू ऑटोमेटिक रूट, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, याद रखिएगा कि 49% तक का जो हमारा FDI होता है उसके लिए ऑटोमेटिक रूट होता है, बाकी के लिए हमारा गवर्नमेंट रूट होता है। ये टू टीयर सिस्टम होता है जिससे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डोमेस्टिक कंट्रोल के साथ बैलेंस कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि कौन सा भारतीय कंपनी था जो पहला था भारत से और फर्स्ट बैंक था या फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था नॉन जापान एशिया का जिसको NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया गया। तो पहला कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक लार्जेस्ट और बहुत अच्छा बैंक है कंट्री में, लेकिन ये पहला इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं था। ऑप्शन बी कह रहा है HDFC। तो ये मेजर प्लेयर है इंडियन बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन ये भी पहला नहीं था, ये भी गलत है, ICICI, ये सही जवाब है। तो देखिए 1999 में क्या हुआ, मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताता हूँ। 1999 में क्या हुआ कि जो ICICI बैंक था, इन्होंने हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया। ये पहला इंडियन कंपनी था या जो पहला फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे जिनका लिस्टिंग हुआ था NYSE पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे। ये गेम चेंजर था इंडियन बैंकिंग के लिए, और PNB भी नहीं था। तो याद रखिएगा NYSE में लिस्ट होना बहुत बड़ा माइलस्टोन इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो इनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है, ठीक है, मैं आपको पॉइंट समझाता हूँ। पहला क्या है कि इनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है कि NYSE पे आप लिस्ट हो गए हैं, तो ICICI बैंक एक प्लेटफॉर्म हो गया है, ग्लोबल विजिबिलिटी गेन करता है, क्रेडिबिलिटी गेन करता है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल कैपिटल का इन्हें एक्सेस मिलता है कि लिस्टिंग के कारण जो है नया अपॉर्चुनिटी मिला ICICI बैंक को कि वो कैपिटल रेज कर सकता है इंटरनेशनल इन्वेस्टर से। फिर इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर इंटीग्रेशन, इस कारण से क्या हुआ कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन का मौका मिला। तो ICICI बैंक का जो लिस्टिंग हुआ था NYSE का, वो केवल फंड रेज के लिए वाला नहीं था, इसने सिंबलाइज किया कि कैसे इंडियन कंपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकती है और अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को बढ़ा सकती है, समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन करता है कि जो इरिस पोटैटो फैमिन आया था उस दौरान जो पोटैटो था उसको गिफ एंड गुड का एग्जांपल क्यों माना जाता है। बहुत बढ़िया सवाल है, इससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि एज अ प्राइस ऑफ पोटैटो रोज पीपल बॉट फ्यूअर पोटैटो एंड मोर लग्जरी आइटम लाइक मीट, ये गलत है क्योंकि दोस्तों यदि आप लोग जो है कम पोटैटो खरीदेंगे, कम आलू खरीदेंगे और लग्जरी आइटम में स्विच करेंगे तो वो हमारे टिपिकल लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेगा, गिफ एंड गुड तो रोल को लॉ को फॉलो नहीं करता है। फिर ऑप्शन भी कर रहा है कि जो प्राइस ऑफ पोटैटो बढ़ेगा, मतलब आलू का दाम बढ़ेगा, तो लोग जो है लग्जरी आइटम पे ज़्यादा खर्चा करेंगे और पोटैटो पे कम खर्चा करेंगे, ये भी गलत है। यदि लोग लग्जरी आइटम पे ज़्यादा खर्चा करेंगे और पोटैटो पे कम खर्चा करेंगे, इसका मतलब कि उनका परचेजिंग पावर ज़्यादा है। लेकिन जब फैमाइन आता है, यहाँ पे देखिए ना साफ साफ लिखा हुआ है इरिस पोटैटो फैमाइन, फैमाइन मतलब समझते होंगे भुखमरी वाला सिचुएशन, जब फैमाइन आएगा तो पोटैटो तो एक तरह का स्टेपल फूड है। कैसा फूड है पोटैटो? तो पोटैटो एक तरह का स्टेपल फूड है, ठीक है, लेकिन जो लग्जरी आइटम्स है जैसे मीट, वो बहुत सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि ये भी गलत है एज अ प्राइस ऑफ पोटैटो रोज पीपल बाउट मोर पोटैटो एंड स्पेंड लेस ऑन लग्जरी आइटम। हाँ, ये हम मुझे सही लगता है क्योंकि इसका कारण मैं आपको आगे समझाता हूँ, और एक बार ऑप्शन डी भी देख लीजिए।
ऑप्शन डी कह रहा है कि एज अ प्राइस ऑफ पोटैटो रोज द डिमांड फॉर पोटैटो डिक्रीज एज प्रोडिक्टेड बाय द लॉ ऑफ डिमांड। तो ये भी हमारे लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा है, लेकिन गिफ एन गुड स्पेशल होता है क्योंकि वो इस लॉ को डिफाई करता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको गिफेन गुड के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ, वॉट इज दिस गिफेन गुड। देखिए गिफेन गुड स्पेशल टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड होता है, पहली बात समझिए एक तरह का कैसा गुड होता है, इन्फीरियर गुड होता है, ठीक है। जिसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा प्राइस बढ़ेगा तो लोग जो है उसको ज़्यादा खरीदेंगे, पीपल विल बाय मोर, ठीक है। क्योंकि ये अपोजिट होता है जो कि हमारे बहुत सारे गुड्स के साथ होता है, जहाँ पे प्राइस बढ़ने से डिमांड घटता है। और जहाँ तक बात है इरिस का जो फेमाइन आया था उसमें दौरान क्या हुआ था कि जो पोटैटो था ना, पोटैटो यानी कि आलू जो था वो एक तरह का स्टेपल फूड था पुअर के लिए, स्टेपल फूड था पुअर के लिए, राइट। तो जैसे ही फेमाइन आया तो इस कारण से क्या हुआ, पोटैटो का प्राइस बढ़ा, पोटैटो का जो प्राइस था वो क्या हुआ, बढ़ा, ठीक है। पोटैटो प्राइस बढ़ा तो आप सोचेंगे कि लोग जो है कम पोटैटो खरीदेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पोटैटो चीपेस्ट फूड अवेलेबल था, सबसे सस्ता फूड अवेलेबल था, इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने लगे पोटैटो सर्वाइव करने के लिए। तो वो मीट अफोर्ड नहीं करते थे या दूसरे लग्जरी आइटम अफोर्ड नहीं करते थे, उनका ऑप्शन था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पोटैटो जो है खरीदें। अब सवाल ये है कि क्यों ये लॉ ऑफ डिमांड को डिफाई कर रहा है। तीन चीज़ मैंने बताया ना, पहला कि गिफेन गुड होता क्या है, दूसरा कि पोटैटो वाले इरिस जो के पोटैटो फेमाइन आया था उस केस को समझाया, और तीसरा ये है कि ये लॉ ऑफ डिमांड को क्यों डिफाई कर रहा है वो समझिए। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि किसी चीज़ का यदि प्राइस बढ़ता है ना तो डिमांड घटता है, होता है ऐसा ही होता है। लेकिन जब गिफेन गुड में क्या होता है, हमारी गिफेन गुड में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि पोटैटो आया फेमाइन के दौरान तो लोग अपने कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं, प्राइस बढ़े इसके बावजूद कंजप्शन को बढ़ा देते हैं क्योंकि उनके पास कोई बेटर अल्टरनेटिव अवेलेबल होता ही नहीं है। इसीलिए गिफेन गुड को एक यूनिक कंसेप्ट माना गया है हमारे अर्थव्यवस्था में। तो दोस्तों हमारे पास इसी प्रकार के आप देख सकते हैं दोस्तों 200 से ज़्यादा पेजेज हैं पूरा कुल मिलाकर MCQ का, और ये जो MCQ PDF है ये हमारे PDF प्लान का पार्ट है, हमारे क्वेश्चन बैंक का पार्ट है, हमारे कंप्रिहेंसिव प्लान का पार्ट है। आप यदि इस तरह के क्वेश्चन बैंक को एक्सेस करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है, जो कि हमारे एग्जामिनेशन में जो एग्जाम देकर आए थे अभ्यर्थी उनके द्वारा जो मेमोरी बेस्ड है वो कलेक्ट किया गया, प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया। विशेष जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप करें। यदि आपको लेसन पसंद आया हो, आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट टू